अल्लामा अजीजुल्लाह सतवी साहब लिखते हैं कि मेरे वालिदे मोहतरम बताते हैं कि उनके उस्ताद सैयद अब्दुल रहमान साहब ये शागिर्द थे अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महल्ली के। अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महल्ली मद्रास के मदरसे में, साउथ में मद्रास के मदरसे में अंग्रेजों के दौराने हुकूमत बच्चों को मदरसे में पढ़ाते थे। अंग्रेजों ने इस्तिफ्ता किया। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ताजिए की मुखालफत किसने और कब से शुरू की। का अंग्रेजों ने इस्तिफ्ता किया उलमा से कि ताजिए की वजह से हर साल फसाद बर्पा होता है तो ताजियादारी करना कैसा। तो उस वक्त के 60-70 उलमा ने ये कह दिया कि ताजियादारी नाजायज है। जब यही इस्तिफ्ता अंग्रेजों का शाह अब्दुल अली फिरंगी महल्ली के पास पहुंचा तो आपने इस्तिफ्ता सवालनामा पढ़कर अपने कमर में तलवार लगाया, मदरसे के बच्चों को बुला लिया, हथियार उठाओ कि अंग्रेजी हुकूमत ताजिया बंद कर।